तो आज हम सबसे पहले बीट रूट को पहले प्यूरी कर लेंगे। आप अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद जूस निकाल लीजिए हाथ की हथेली से दबाकर। उसके बाद हम इसमें सारे हर्ब्स, साल्ट और साल्ट नमक यानी, और आपको कोरिएंडर पाउडर लेना है। कोरिएंडर मतलब धनिया पाउडर 1 या 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। ओट्स का आप आता है फ्लोर, अगर आपके पास फ्लोर नहीं है तो ओट्स को आप रोस्टेड करके और उसको पीस के भी मिला सकते हैं। और जितने हर्ब्स हैं आप वो मिला लीजिए जो भी आपके पास है। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिला सकते हैं आप, और गार्लिक और जिंजर पाउडर या फिर चॉप करके भी डाल सकते हैं। और 1 ओनियन मैंने यहाँ चॉप करके डाला हुआ है। और सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें आपको थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करना है, और आप और भी अपने इच्छा अनुसार वेजीज ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने और कुछ नहीं ऐड किया हुआ है, सारे को मिक्स कर लिया है। आप धनिया कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में मैंने थोड़ा सा आटे की तरह, आपका डो तैयार हो जाए आपको इतनी क्वांटिटी में फ्लोर को थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। मेरे को यहाँ पे 1.5 कप फ्लोर लगा हुआ है। और अच्छे से आप करके और थोड़ा सा हाथ में आप ऑयल लगा लीजिए, ऑलिव ऑयल। और फिर उसके बाद आप इसे किसी भी शेप में दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो उसके बाद आप दोनों तरफ से हल्का सा ऑयल लगा के और सेक लीजिए। आपको यहाँ पे आप चाहे तो बेक भी कर सकते हैं इसको 170 सेंसियर या 200 पे। आप दोनों तरफ से अच्छे से ऊपर और नीचे वाला भी करके और इसे आप 10 से 15 मिनट बेक कर लीजिए। चेक करते रहिए ताकि ये जले नहीं, तो आपको देखते रहना है। और फिर ये तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप मेयोनीज़ या धनिया की चटनी के साथ या मिंट की चटनी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट पर जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स और फैमिली, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। Thank you.